नमस्कार, आप देख रहे हैं टेक्सटाइल टाइम्स। मैं हूं आपके साथ डूंगर सिंह सोडा, लेकर हाजिर हूं हमारी खास पेशकश हम तो बोलेंगे। आज हमारी खास पेशकश में मुद्दा है, पहले व्यापारियों से ऑनलाइन ठगी करते थे, अब नौकरी पैसा लोगों को टारगेट कर रहे हैं। पिछले 2 साल में पढ़े लिखे और होशियार लोगों को झांसा देकर ठगने के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। पढ़े लिखे लोग ऑनलाइन का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं और ठगी के शिकार भी सबसे ज्यादा हो रहे हैं। 2 साल में ऑनलाइन ठगी के कुल 96 केस दर्ज हुए हैं। वर्ष 2019 में ठगों ने व्यापारियों को सबसे ज्यादा टारगेट किया था। वहीं 2020 में ठगों ने ट्रेंड बदलते हुए नौकरी पैसा डॉक्टर इंजीनियर मैनेजर वकील को टारगेट किया है। चौंकाने वाली बात तो यह है कि पढ़े लिखे और समझदार लोग भी ठगों के झांसे में आ जाते हैं। मोबाइल पर अपने क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, पिन नंबर और ओटीपी भी देते हैं। बैंकों द्वारा बार बार जागरूक करने के बाद भी इस साल पढ़े लिखे लोगों से ठगी के मामले बढ़े हैं। शुक्रवार को एक ही दिन में ठगी के 2 मामले सामने आए, जिसमें इंडियन नेवी में कॉन्ट्रैक्ट बेस पर काम करने वाले युवक को क्रेडिट कार्ड कैश दिलाने के झांसा देकर 79,000 और व्यापारी के बेटे के पास मोबाइल पर 10 रुपए QR कोड भेजकर 96,000 रुपए की ठगी हुई है। इस बारे में कापोदरा और खटोदरा थाने में शिकायत भी दर्ज कराई गई है। आज की खास रिपोर्ट में इतना ही। आप देखते रहिए टेक्सटाइल टाइम्स। नमस्कार।